बिहार की सीमा पर हमारी बहन बेटियों की खुली मंडी लग रही है। इसलिए उसके लिए मैं आंदोलन करूंगा। मैं आपका सबका सहयोग चाहता हूं। मेरी बहन बेटी की अगर इतना बड़ा नेतृत्व होने के बाद भी अगर खुली मंडी लगे तो मेरे और आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए अगर हमारी बहन बेटी इनको ये बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आपको आग्रह कर रहा हूं कि मैं किसी को नुकसान करने के लिए नहीं आता, मैं मेरा ही नुकसान करता हूं। लेकिन चाहे मेरा नुकसान कितना हो जाए, मेरा आदिवासी का सबसे ज्यादा भला हो, मैं इसके लिए चाहे पसीना देना पड़े, चाहे खून देना पड़े, चाहे लाठी खानी पड़े, चाहे गोली खानी पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, मैं इसके लिए तैयार हूं। इस बात की घोषणा और वादा आपके बीच में करके जाना चाहता हूं। मेरे को ऐसे चुनाव नहीं लड़ना, पक्की बात है। और न कोई पार्टी में तो बनाई थी जो बीच में बिखर बिखरा गई। ये रामलाल जी 38,000 वोट ले गए थे तो ये तो कांग्रेस ही जीत के कांग्रेस में चले गए। मैं अकेला ऐसे देख रहा हूँ जैसे कट्टी मकान में शार देखता हूँ। तो अकेला ही मैं कोई पार्टी नहीं बनाने जा रहा, न मैं कोई और चुनाव लड़ने जा रहा, कोई राजनीति नहीं करने जा रहा। मेरा शुद्ध गरीब का जो दर्द है, गरीब के दर्द को देखकर, उसकी पीड़ा को देखकर मैं उत्पीड़ित हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ। मैं गरीब का खिलाफ अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए लड़ाई लड़ता हूँ। बाकी मेरा इसमें कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। मैं नगराज जी से कहता हूँ, रामलाल जी से कहता हूँ और सारे बीजेपी सारे नेताओं से कहना चाहता हूँ कि मैं केवल इनके हकों की लड़ाई, वो भी आपको विश्वास में लेके, आपको साथ में लेके लड़ूंगा। और 4-6 प्रस्ताव मानगढ़ का आरक्षण की सीमा बढ़ाने का, आरक्षण की बैकलॉग का आरक्षण 3.5% और हमारा वाटा भले काट के आपको दिया जाना चाहिए, इस ढंग का प्रस्ताव लेना चाहे तो आप ले। मैं उसके पक्ष में मैं आगे से कह रहा हूँ। और हमारे जितने एनजीओ पर के यहाँ पर काम किए हैं, वो एनजीओ का काम कहीं जमीन पर नहीं दिख रहा, उनका क्या नाम से सोशल ऑडिट होना चाहिए। आखिर में इतना पैसा आदिवासियों पर लगा, वो कहाँ चला गया, ये भी इसमें जिक्र होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव और केंद्र से क्या कराया जा सकता है, राजस्थान सरकार से क्या कराया जा सकता है। मैं हूँ, रामलाल जी हूँ, नगराज जी हूँ, राजकुमार जी हूँ, हम सब मिलके आपके अधिकारों की लड़ाई राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से लड़ेंगे। और दिल्ली में जो भी है हम केंद्र के मंत्री प्रधानमंत्री और उनसे लड़ेंगे, इसकी गारंटी मैं आपको लेना चाहता हूँ। तनिक भी नुकसान आपके आरक्षण के साथ हुआ तो डॉक्टर केवलाल सरेआम इस भीड़ में क्या क्या जा रहा है। अगर तनिक भी कोई नुकसान हमारी सरकार या किसी के द्वारा किया गया तो मैं पहला आदमी हूँ जैसे मानगढ़ में अपना बलिदान दिया आपके आरक्षण और आपके हक के लड़ाई के लिए, मैं पहला व्यक्ति हूँ जो बलिदान देने के लिए तैयार हुआ। जय जोहार, जय जय जोहार।